अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये कूलिंग टावर के अंदर सम्प होता है जहाँ पे आपका पानी इकट्ठा होता है, और ये इकट्ठा जो आपको लाइन नज़र आ रही है सामने से, इस लाइन के ज़रिए वो आपके कूलिंग वाटर पंप के अंदर आता है, फिर आपके चिलर में, और फिर दोबारा इस कूलिंग टावर के अंदर आता है। इस कूलिंग टावर की इस सम्प के अंदर इस लाइन की सेक्शन के ऊपर जहाँ से पानी इन होता है इस लाइन में एक स्टेनर जाली लगी होती है जिसको आप फिल्टर भी कह सकते हैं, ताकि आपका जो कचरा वगैरह वो आपकी इस लाइन में ना जाए। तो ये आप देख रहे हैं, ये वो डैमेज हो चुकी है फुली, इसको हम रिपेयर करेंगे। किस तरीके से आप इसको प्रॉपर इसकी साइज़ ले सकते हैं, इसको किस तरीके से आप इसको प्रॉपर दोबारा तैयार कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से, ये पुरानी जाली ये डैमेज हो चुकी थी, आप हमारा जो कचरा वगैरह था कूलिंग टावर का वो पंप में आने का ख़तरा था, तो इसके लिए सबसे पहले आपने इसका लेवल ठीक करना है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ही लेवल आउट हुआ है, तो इसके हम लेवल की अलाइनमेंट वगैरह करके, ये आप देख रहे हैं अब काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे हमारा, तो जब हमारे ये रॉड, ये बेसिकली SS का मटेरियल हम इसमें सारा यूज़ करेंगे, या फाइबर या SS, क्योंकि ये पानी में डिप रहते हैं, तो अगर हम दूसरा मटीरियल यूज़ करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसकी हम क्लिनिंग कर लेते हैं अच्छे तरीके से हार्ड ब्रश की मदद से। तो दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, और अपने दोस्तों के साथ जो आपकी फील्ड में है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियोस का फ़ायदा हो सके। तो अब हम इनकी क्लीनिंग कर चुके हैं, ये आप देख रहे हैं इस जगह पे ये रॉड जो बेसिकली इसका फ्रेम है उसको हम पहले कम्प्लीट, ये आप देख रहे हैं इस जगह से ये डैमेज हो चुके हैं, टूट चुके हैं सेक्शन की वजह से। तो अब हम इनको वेल्डिंग कर लेंगे, इस पॉइंट को हम अच्छे तरीके से साफ़ करके इनको हम प्रॉपर सीधा रख के वेल्डिंग कर लेंगे। इन रॉड जो फ्रेम है इसका बेसिकली, ये सम्प स्टेनर कहलाता है, सम्प स्टेनर, तो इसके फ्रेम को हम वेल्डिंग कर लेंगे, SS के रॉड से हम इसकी वेल्डिंग करेंगे, SS की वेल्डिंग। तो ये आप देख रहे हैं जैसा कि हमारी वेल्डिंग का काम वो भी तकरीबन कंप्लीट हो गया, तो इसको हम वेल्डिंग करके, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसका बता देता हूँ आपने क्या करना है। तो ये आप देख रहे हैं ये वेल्डिंग का काम हो रहा है। इसकी ड्राइंग छोटी सी मैं आपको बता दूँ, जो हमने इसकी स्टेनर जाली है वो, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे, ये बेसिकली इसकी डिज़ाइनिंग है। अगर हमें इसके जोड़ नहीं डालना इसकी स्टेनर की जाली में, जहाँ पे जोड़ डालेंगे वो आपकी डबल हो जाएगी, तो आपकी सेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हमें तीन साइज़ रिक्वायर होंगे, ये आप देख रहे हैं एक साइज़ ये है, ये हमारा तकरीबन 43 है, 43 से हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, साढ़े मतलब कि हाफ ज़्यादा कर लेंगे, ताकि हमें इसकी जाली है वो प्रॉपर बेंड हो सके। उसके बाद हम इस चीज़ का साइज़ लेंगे, हम एक ही पीस काटेंगे, इसको हम बेंड करते जाएंगे साथ साथ। तो ये आप देख रहे हैं दूसरी साइड पे हमारा ये साइज़ होगा, ये तकरीबन 14 इंच बनता है, तो इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, इसको भी 14.5 कर लेंगे। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये साइज़ हम, इसकी थिकनेस कितनी है, ये भी तकरीबन 14 है, इसको भी हम 14.5 करेंगे। तो अब हम इसको, इसका साइज़ वगैरह ले लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो SS की हम जाली यूज़ करेंगे स्टेनर के लिए। तो ये आप देख रहे हैं ये जो है उसके साथ हमें SS की वायर्स, ये आप देख रहे हैं ये SS की वायर है जो, जिसकी मदद से हम इसको ग्रिप करेंगे। तो अब हम इसको काट लेते हैं उसी ड्राइंग से जो मैंने आपको छोटी सी ड्राइंग समझाई थी, बना के दिखाई थी, तो अब हम इसको काट लेते हैं, फिर लास्ट में जब आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम इसको बेंड करते हैं उसके ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं ये SS की जाली है, तो अब हम इसको खोल लेते हैं, इसके साथ हम जो इसके साइज़ हमने लिए हैं उसके मुताबिक हम इसको काट लेते हैं। काटने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको बेंड करना है। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारा मेन इसकी लेंथ है, जो हम इसको तीनों साइड पे इसके कवर करेंगे, एक साइड इसकी बैक, एक साइड जो फ्लोर की नीचे की साइड पे होगी उसको नहीं हम लगाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसको काट लेते हैं, जो हमने साइज़ लिया उसी के मुताबिक। तो ये अब हमारी तकरीबन कंप्लीट कटिंग होने वाली है, तो जैसे ही ये कंप्लीट कटिंग होगी फिर हम इसको बेंड करेंगे। बेंड करने का क्या तरीका है, अगर आप इसको किसी चीज़ में रखे करेंगे तो जाली है बेसिकली, तो ये डैमेज हो सकती है, तो इसका बेहतरीन है कि आप हाथ की फ़ोर्स से इसको करें। लेकिन हाथ की फ़ोर्स के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, हीटिंग ना करें इसको जाली को। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अब हमारा फाइनल कटिंग है जो हमने इसको ड्राइंग के मुताबिक इसको काट रहे हैं, और साइज़ हमने ले ली है। तो ये अब हमारी कटिंग हो चुकी है तकरीबन सारी, ये फाइनल कटिंग है इसकी, तो जैसे ये इस पीस से अलहदा होगी तो आपके सामने आ जाएगी।
तो ये पीस हमारा निकल आया उसी शेप में जो मैंने आपको फ्लोर के ऊपर शुरू में ड्राइंग बना के दिखाई है कि उसका हमने इसको उसी तरह काट लिया। अब हमने इसको इस तरीके से बेंड करेंगे, एक हम ग्लारम ले लेंगे तो इसको हमने बेंड कर दिया जो हमारा बैक पे आएगा उस स्ट्रेनर के ऊपर। तो ये अब हमारी यहाँ से बेंड होगी, जहाँ जहाँ से हमारी बेंड हुई है जो हमने साइज़ लिए थे वहाँ से हमने इसको बेंड करना है। तो इसको हम इस जगह पर रख के इस तरीके से, तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से आप इसको रख के इसको पुश करेंगे तो ये आपकी शीट के ऊपर निशान आ जाएंगे, आपकी जाली डैमेज नहीं होगी, आपने सिर्फ अपनी फोर्स से, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से बेंड हो गई। तो ये आप देख रहे हैं इसको हम फाइनल बेंड करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको फ्रेम के अंदर आपने किस तरीके से करना है। तो दोस्तों साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते जाएँ और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये आप देख रहे हैं ये हमने जहाँ जहाँ से इसको बेंड किया था ये पूरा उसके ऊपर आ गया, साइज़ हमने ले चुके थे ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे इसको इसके साथ लगाने के लिए जो हमने SS की वायर दिखाई थी आपको उससे हम इसको कर देंगे कवर, जो फिटिंग बेसिकली इसको हम वेल्डिंग नहीं कर सकते, ना करना चाहिए क्योंकि अगर आप इसको दोबारा चेंज करेंगे तो फिर ये प्रॉपर फिनिशिंग में नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसको इसके साथ इसको फिक्स करते जाएंगे। तो ये SS की वायर है तो इसको आप इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं अब हमारी ये कंप्लीट होती जा रही है। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारी कंप्लीट हो गई है, तकरीबन हर जगह से हमने इसको वायर के साथ इसको प्रॉपर बिठा दिया है। तो ये दूसरी साइड है, ये ओपन है या ये फ्लोर की साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ से इसके तीनों साइड से, बैक से, फ्रंट से, टॉप से पानी इन होगा और वो हमारी लाइन में चला जाएगा, यानी कि कूलिंग वाटर की पंप की सक्शन लाइन में चला जाएगा। तो जहाँ से ये स्ट्रेनर होकर निकलेगा पानी, ये बेसिकली इस तरह से पड़ा होगा उसके अंदर लाइन के अंदर लग जाएगा, इसका साइज़ बिल्कुल फ्लोर के लेवल का साइज़ है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें।